अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे में गरीब और अमीर का फासला बढ़ता जा रहा है। आज इस रिपोर्ट को पेश करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि क्या इंसान से भी बढ़कर अब जानवरों की कीमत और अहमियत हो गई। लिहाजा बेलगाम मुडलगी के टुक्यानट्टी गांव के तालुका पंचायत मेंबर शिवप्पा यल्लप्पा मट्टी ने एक आलिशान दावत का एहतमाम किया था। जिस तरह की भीड़ आज की दावत में देखी गई, ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर के घर में शादी या किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न मनाया जा रहा है। डीजे पर नाच गाना भी हो रहा था। लिहाजा किसी इंसान की नहीं बल्कि कृष नाम के कुत्ते का बर्थडे मनाया जा रहा था। इस सालगिरह की चर्चा मुल्की सतह पर हो रही है। मौका था सालगिरह का और इस सालगिरह में हजारों लोगों को खाना भी खिलाया गया। 100 किलो यानी 1 क्विंटल का केक बनाया गया था। एक कुत्ते की सालगिरह इस तरह मनाने की शायद ये पहली वारदात हो सकती है। अब इस पर मुख्तलिफ तस्करे किए जा रहे हैं। जिस देश में इंसान को जानवरों की तरह सुलूक किया जाता है, उसी देश में जानवरों को इंसान की तरह बनाने की कोशिश देख हैरानी होती है। परवरदिगार ने इंसान को सबसे अफजल तरीन मखलूक बनाया और कहा कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कभी धर्म भाषा की आड़ में इंसान को जानवरों की तरह पीट कर जान से मार दिया जाता है, तो दूसरी तरफ इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। इसे क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए समझ में नहीं आता। आज हजारों लोगों को खाना भी खिलाया गया। इसे जानवरों से मोहब्बत कहा जाए, क्या कहा जाए? ये वीडियो देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े इंसान की शादी है जिसमें दावत का लुत्फ उठाया जा रहा है। इस वक्त ग्राम पंचायत मेंबर शिवप्पा मट्टी ने बताया कि एक इंसान से भी बढ़कर जानवर है, लिहाजा उसका जन्मदिन इतने बड़े पैमाने पर मनाया। भले आज की खबर कईयों को फिजूल लग रही हो, लेकिन ये पहलू भी देखा जा सकता है कि आज कई ऐसी बहनें लड़कियां हैं जिनके वालिद इनके दहेज का इंतजाम न करने की बिना पर बिन ब्याही बैठी है। कई ऐसे घर हैं जहां पर कुछ खवातीन महज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं करते, इसलिए जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा नहीं कि शिवप्पा मट्टी अकेले जिम्मेदार है। माशरे का नाम निहाद वो पैसे वाला तबका है जो चोरी छिपे गलत कामों में अपनी अय्याशियों में पैसा तो उड़ाते हैं, लेकिन किसी गरीब को मदद करने के लिए इनका हाथ नहीं उठता। इन्हें ऐसा लगता है ये पैसा तो मैंने कमाया, लिहाजा इस पर मेरा हक है। अब तो ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। जिसके पास पैसा है, इसकी इज्जत और वकार माशरे में अपने आप आ जाता है। और किसी कुत्ते की सालगिरह भी होती है तो इसमें शिरकत करना भी गोया फख्र समझा जाता है। माशरे में इस तरह की तब्दीलियां सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है। लाखों रुपये जिसमें कईयों के घरों के चूल्हे सुलग सकते हैं, लेकिन मैंने पैसा कमाया, मेरा पैसा मैं कहीं पर भी खर्च करूं, कौन पूछने वाली ज़हनियत बढ़ती जा रही है। गरीब को 2 लुकमे देने से बेहतर है मैं अपने कुत्तों की सालगिरह मनाऊं वाली सोच अब बढ़ती जा रही है। भले ही इसमें बड़ी शान से इस इजलास को मुनक्कद किया हो और इंसान से कुत्ता बेहतर है का पैगाम भी देना चाहो, लेकिन क्या ये सही है? क्या हमारे इर्द गिर्द अतराफ में हमारे पड़ोस में कितने ऐसे घर होंगे जो कर्ज में डूब चुके होंगे, लेकिन पूरा का पूरा समाज अपनी जिंदगी अपना घर अपनी अय्याशियों में मुलव्वस है। उसे कहां वो से सकते मकाना जहां चराग तक नहीं जलते देखने की फुर्सत कहां? यकीनन जानवरों से हमदर्दी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन जहां इंसान और इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही हो, वहां इस तरह के जश्न क्या मायने रखते हैं? एक तरह से गरीबों का मजाक है और माशरे के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि भुखमरी में भारत अव्वल नंबर की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ हुकूमतों की गलत पॉलिसियां और फिर अमीरों के ऐसे जश्न जहां गरीबों के मुंह चिड़ाए जाते हैं। आखिर क्या कहा जाए? खुदा ने इंसान को इंसान की मदद के लिए पैदा किया। सड़क पर बेहाल होकर तपती धूप में गरीब पैदल चलता रहता है और अमीरों के कुत्ते एसी में बैठकर कार का सफर करते हुए नजारे हमने अक्सर देखे हैं। लेकिन इस तरह का जश्न जहां 1 क्विंटल का केक बनाया जाए, कुछ हद हो गई नहीं लगता? हो सकता है कि इनके रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें रुपयों की जरूरत हो सकती है। ये किसी को तंज करने के लिए हम नहीं कह रहे, क्योंकि उमूमन लोग तो यही कहते हैं कि उसका पैसा वो कुछ भी करे, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हमें तकलीफ इस बात की है कि इस माशरे में जहां इंसान रहते हैं पहले इंसानों की फिक्र करें। तकलीफ इस बात की भी होती है कि हजारों घरों में बिन ब्याही लड़कियां सिर्फ कुछ पैसों के लिए इनकी शादियां नहीं हो रही, और कुछ अमीर अपने जानवरों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। क्या इंसाफ है? लिहाजा जिन्हें अपने कुत्तों की सालगिरह इस तरह मनानी हो, जरूर मनाएं, लेकिन मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आज भी रोटी मयसर नहीं हो रही, थोड़ा एक नजर उनकी तरफ भी करें। यही आज का पैगामी बर्थडे क्रिश्चियन संभ्रमाचरण ಆಚರಿಸಿದ ಮಾಡ್ತಾರೆ।
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ರಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿನ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಸಾಕಿವ್ ನಾವ. ಅದ್ ಎಷ್ಟ್ ನಿಯತ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತ ಏನೇ ಮಣ್ಣ ಏನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ನಿಯತಿಂದ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವೊಂದ್ ಸ್ವಾನದಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಆ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಕ ಅದು ನಮ್ ಮಾವನ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಏ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಿ ಬ್ಯಾಡಲ್ರಿ ಅನ್ನಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಂತ ನಿಯತ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂತ ನಿಯತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನೈತಿ ಈ ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಕ ನಾವು ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಭೀಮಸೇಗದಾಡಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಡ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೂಗು ಜನವರ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರು ಏನದು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಪ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಏನು ಮೂಕ ಜನವರದವಲ್ಲ ಇಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಪ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇರುವಂಥ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೇನೈತಿ ಅನ್ನೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿವಿ. हाल ही में 12वीं इम्तहानात के नतीजे हासिल हुए जिनमें बेहतर नंबरात हासिल किए गए हैं. खासकर अलकाब बोझगर 96.66, शाहीन कॉलेज, असीम असलम खानापुरी 96.33, आरएलएस कॉलेज, मोहम्मद अरफात इरशाद जकाती आरएलएस कॉलेज 87% से कामयाबी हासिल की है. इनकी इस कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही. बेलगाम शहर में काफी चर्चा का मौजू रहा ट्रिपल मर्डर केस के मुजरिम प्रवीण भट्ट को बाइज्जत रिहाई हासिल हुई. धारवाड़ हाईकोर्ट ने फैसला आज दिया है. वाजा रहे कि 2015 में कुवंतपुर नगर में नाजायज ताल्लुकात के चलते दो बच्चे और उसकी मां का कत्ल प्रवीण भट्ट ने किया था, जिसे 2018 में उम्र कैद की सजा हुई थी. लिहाजा आज धारवाड़ हाईकोर्ट ने सजा के लिए सबूतों की कमी के बिना पर इसे बाइज्जत बरी कर दिया. इस कत्ल की काफी चर्चा बेलगाम शहर में हुई. बेलगाम शहर के करीब बेलगुंडी गांव में दलित समाज के लोगों को कुछ लोगों की जानिब से परेशान किया जा रहा है, लिहाजा हमें इंसाफ दीजिए का मुतालबा बेलगुंडी गांव के दलितों की जानिब से कमिश्नर बोरलिंगिया से किया गया. हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगुंडी गांव में 25 एकड़ जमीन है जो दलितों के कब्जे में है और पिछले कई सालों से यहां किसानी की जा रही है. लेकिन पिछले कुछ अरसे से दलितों के खेत में कुछ लोग आकर फसल का नुकसान कर दिया जाता है, लिहाजा इन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा मुतालबा दलित समाज की जानिब से आज किया गया. आबादी की बुनियाद पर रियासत कर्नाटक को ही तकसीम करने की साजिश भाजपा की जानिब से की जा रही है, ऐसा इल्जाम केपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकिहोली ने आज साफियों के सामने कहा. कल रियासती वजीर उमेश कत्ती ने 2024 इंतखाबात के बाद इस मुल्क में 50 नए रियासत वजूद में आएंगे ऐसा बयान दिया था, लिहाजा कर्नाटक को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और शुमाली कर्नाटक बनाया जाएगा ऐसा भी कहा है. आने वाले दिनों में भाजपा 3 करोड़ आबादी को एक रियासत बना देने का मंसूबा है और इस तरह के कानून को मंजूरी भी दी गई है जिसमें वजीर आजम मोदी की भी हिमायत है. जाहिर है ऐसा होता है तो रियासत के दो हिस्से किए जाएंगे ऐसा भी बताया गया. खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.